जयपुर हाउस के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 108 बेनरम सागर महाराज के सानिध्य में नववर्ष की पूर्व संध्या में आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गुरुवर आचार्य श्री के साथ मुनि संघ ने काव्य पाठ किया। जयपुर हाउस के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 विनम्र सागर महाराज के सानिध्य में नववर्ष की पूर्व संध्या में आध्यात्मिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गुरुवर आचार्य श्री ने काव्य पाठ किया। उनके मुख से जिनवाणी प्रसारित होती है और जिनके हृदय में सरस्वती नहीं होती उनके मुख से कभी जिनवाणी प्रसारित भी नहीं होती। सरस्वती की वंदना देखिए, भव का मिटाती भार जीवन का देती सार और जीवन जीने का यही आधार सत्य दिखलाती है। आचार्य श्री ने कहा कि जिनके मुख पर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, वे ही जिनवाणी का पाठ कर सकते हैं। शांति प्रभु जिनका नाम है, समीर शिखर जिनका धाम है। ऐसे ऐरा माँ के सिद्ध को मेरा बारंबार प्रणाम है। आचार्य श्री के साथ ही आरिका माताजी ने भी माँ जिनवानी के चरणों में काव्य पाठ किया। एक सरस्वती माँ की भव का मिटाती भार जीवन का देती सार और जीने का यही आधार सत्य दिखलाती है। हंसुगा मुनि है वाणी ब्रह्मचारिणी कुमारी कई नाम से ये सारी दुनिया बुलाती है। कई नाम है, 16 नाम तो लिपिबद्ध किए हैं लेकिन फिर भी कई नाम है, एक दो नाम नहीं है, 108 नाम भी जिनवाणी के प्रसारित किए। आचार्य श्री के सानिध्य में नववर्ष के पूर्व बेला में आयोजित इस काव्य पाठ कार्यक्रम को श्रावकों ने खासा पसंद किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।